खबर वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से है, जहां इन दिनों माहौल गर्म चल रहा है। पिछले दिनों बीएचयू में वोकेशनल कोर्स में बीफ पर एक सवाल पूछे जाने के बाद छात्रों ने बवाल कर दिया है। छात्रों ने कुलपति से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, महामना के बीएचयू में फीस वृद्धि का मामला इन दिनों सुलगा हुआ है। इसी बीच सेमेस्टर परीक्षा में बीफ से संबंधित एक सवाल पूछने को लेकर बवाल मच गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू इन दिनों अलग अलग विवादों के कारण चर्चा में है। पीजी में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर आयुर्वेद संकाय के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर फीस वृद्धि के खिलाफ भी छात्रों ने आंदोलन छेड़ रखा है। और इसी बीच वोकेशनल वॉक सेमेस्टर परीक्षा में एक सवाल को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। आपको बताते चलें, बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के छात्रों द्वारा 12वें दिन भी धरना जारी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने पिछले 12 दिनों से आयुर्वेद संकाय के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरना आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीट को बढ़ाने को लेकर चल रहा है। इस दौरान नाराज छात्र छात्राओं से मिलने आयुर्वेद संकाय के प्रोफेसर पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बात की। बातचीत के दौरान प्रोफेसर ने छात्रों से धरना समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम लोग यहीं कुलपति आवास के सामने धरना देते रहेंगे। नाम बता दें। आयुर्वेद संकाय से हैं हम लोग। क्या कुछ बातें हुई थी और आज फिर आपको ओपीडी बंद करना पड़ा? बातें उस दिन कुछ नहीं हुई थी, बस हम लोग एक मानवता के अधिकार पे एक लेटर दिए थे, डीन सर को दिए थे, प्रॉक्टर बोर्ड में हर जगह लेटर दिए थे कि अगर हमारी कुछ भी लिखित सुनवाई नहीं होगी तो हम 36 घंटे के बाद बैठ जाएंगे। फिर तो हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, बस ये है कि हम लोग के घर पे और हॉस्टल में एक एक लेटर पहुंच गया प्रॉक्टर बोर्ड से, बाकी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं? आप अंतिम मांगे क्या है आप? हमारी पहली और अंतिम मांग यही है कि हमारा पोर्टल अक्टूबर में खुलता है, जिससे रजिस्ट्रेशन होना होता है, तो रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है हमारा। हमारी अंतिम पहली जो भी बस एक ही मांग है कि हमारा अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए पीजी सीट के लिए। ओपीडी कौन कौन से बंद हैं आप लोगों के? सारी ओपीडी बंद है, जितने 16 डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी ओपीडी हैं, सब बंद है। उधर बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स में बीफ के क्लासिफिकेशन के सवाल पर भी छात्रों ने बवाल कर दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत वीसी से करके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। गौरतलब है कि छात्रों ने कहा है कि अगर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और अगर ये आंदोलन हुआ तो बीएचयू में ये तीसरा आंदोलन होगा। गौरतलब है कि बुधवार को दोपहर में केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने छात्रों ने उनकी अनुपस्थिति में कुल सचिव से मिलकर उनको ज्ञापन दिया। छात्रों ने बताया कि बीवॉक बैचलर ऑफ वोकेशनल के सेकेंड सेमेस्टर में सवाल में ये पूछा गया है कि बीफ क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, साथ ही उसे कैसे बनाया जाता है, इस पर भी सवाल पूछा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा गौ हत्या के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने गौ वंश के संरक्षण के लिए कार्य किया है। इसके बाद भी इस तरह का सवाल पूछा जाना महामना के सपनों को साकार करने की जगह उन्हें बेकार करना है। ऐसे कोर्स में पेपर बनाने वाले शिक्षक सहित अन्य जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त करने के साथ साथ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही कोई अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे। मेरा नाम पतंजलि है और मैं शो छात्रों काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जब से सुधीर जैन जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हैं, तब से लगातार हिंदू विरोधी और हिंदू सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। पहले भगवान श्री राम के का चित्र बना के जो है उनका अपमान करने की कोशिश की गई, फिर जो है कि भारत का विकृत मानचित्र दिखाया गया। तत्पश्चात जो है भगवान शंकर पे यहाँ जो भगवान शिव विश्वनाथ पर जो है कि यहाँ के प्रोफेसर ने जो है कि अमर्यादित टिप्पणी की, जो गैर जरूरी भी थी और अपशब्द भी कहे थे उसमें, तो ये देखा जाता है घटनाक्रम चल रहा है। उसी के अगली कड़ी में हम इसको देखते हैं कि आज जो है कल एक पेपर हुआ यहाँ होटल मैनेजमेंट में, उसमें बीफ से संबंधित क्लासिफिकेशंस पूछे गए, पर दुर्भाग्य है कि उस विश्वविद्यालय में पूछे गए जिसकी स्थापना उन महामना ने की थी जो गौरक्षा से संबंधित, कम से कम यहाँ उन्होंने 18-19 गौशालाओं की काशी में स्थापना की, खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है गौशाला की स्थापना की थी। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल वाइस चांसलर के ऊपर कार्रवाई की जाए और उन लोगों ने जिन्होंने पेपर बनाया और लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों को संरक्षित कर रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई। मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है,
हम लोगों ने आज जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कपितर विधर्मी लोग हैं, जिन लोगों ने आबो हवा खराब करने की कोशिश करी है, आपको बताएं कि एक प्रश्न पत्र में बीफ क्या है इसके बारे में पूछने की, मतलब ये सुनियोजित तरीका था, उन्होंने पूछा है तो ये कोई अचानक से हुआ नहीं है, इसके पहले भी कुलपति महोदय इफ्तार पार्टी आयोजित करके इन लोगों को बढ़ावा दे चुके हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने बीफ के सवाल पर मिलकर, कुलपति जी नहीं थे तो रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और मांग किया है कि जो दोषी हो उसको उचित कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और अन्यथा हम लोग कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।